और चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। आज से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया। आज दोपहर से यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर समिति यात्रा की तैयारियों में जुटा है। इस बार चार धाम यात्रा के लिए करीब 16 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए 5.41 लाख, बद्रीनाथ धाम के लिए 4.56 लाख, गंगोत्री धाम के लिए 2.77 लाख और यमुनोत्री धाम के लिए 2.40 लाख यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल श्रद्धालुओं से भरी बसों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर चार धाम यात्रा पर रवाना किया। हमारे चारों धामों से सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सफल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो। खास बात ये भी है कि चार धाम यात्रा के रास्ते में होटलों सहित दुकानों से खरीदे जाने वाले सामान पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जब अपने घर लौटें तो स्थानीय उत्पाद लेकर ही जाएं।